दोस्तों, भले ही आपने दुबई पर कितनी ही वीडियो देख डाले, मगर हमारे इस वीडियो में आपको दुबई के बारे में जरूर कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसे आपने अभी तक नहीं देखा होगा। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि दुबई जादू की नगरी की तरह लगती है, और दुबई के शेखों को कोई एतराज नहीं कि आप इसे गोल्ड सिटी भी पुकारें, क्योंकि दुनिया भर के सोने के कुल व्यापार का 40% बिजनेस दुबई में होता है। जी हाँ, ये सच है, दुबई में क्राइम रेट जीरो है, क्योंकि यहाँ का कानून रफ टफ नहीं है। अगर कोई यहाँ क्राइम का सोचता भी है तो याद रखें, यहाँ का कानून ऊंटों की तरह नकेल भी कसना जानता है। दुबई की रईसी का क्या कहिए हुजूर, यहाँ बड़े बड़े रईस शेर चीतों को अपने साथ साथ लिए घूमते हैं, भले ही आप इन्हें देखकर खौफ खाते रहे। दोस्तों, अपने भारत में जहाँ बस स्टॉप भी गरीबों का रेन बसेरा बन जाते हैं, वही दुबई के बस स्टॉप एयर कंडीशनड है। दुबई में अमीर शेखों की गाड़ियों को इधर से उधर ले जाने के लिए रोड का चकलस छोड़ हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। यार, ये कुछ ज्यादा ही रेजी नहीं हो गई? दोस्तों, दुबई में जब भी आपको लगे कि गर्मी कुछ ज्यादा ही सर चढ़ रही है, तो आप फौरन दुबई के किसी शॉपिंग मॉल में घुस जाओ, वहां आपका स्वागत स्नो फॉलिंग करेगी, मतलब आप मॉल में बर्फ की बारिश का मजा ले सकेंगे। यहाँ पर अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आते हैं तो वो बोल उठेगी, सो चिल यार, यहाँ पर आपका ऑर्डर किया हुआ पिज्जा मोटरसाइकिल जैसी चीज पर खिचड़ खिचड़ के नहीं पहुंचता, बल्कि पिज्जा डिलीवर्ड के लिए इस तरह की बेहतरीन स्पेशल गाड़ियों का इंतजाम रहता है। अब आप कहीं आकर्षक गाड़ियों को देख कर लिफ्ट मत मांग लेना। और सुनो, दुबई में पेट्रोल को लेकर हाय तौबा मत मचाना, दुबई में पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। अरे, इसीलिए तो यहाँ का बंदा वहां जाकर बसता है। और ये बात, पेट्रोल सस्ता जानकर बोतलों में मत मांगने लग जाना। दोस्तों, आज से 25 साल पहले दुबई में जहाँ नजर दौड़ाओ आपको दूर तलक रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखता था, जबकि पाकिस्तान का कराची जैसा शहर इससे हजार गुना तरक्की पर था। कराची में ट्राम चला करता था और बेहतरीन स्कूल अस्पताल थे। इधर दुबई में दो वक्त का खाना भी ढंग से मैसर नहीं था। जी हाँ दोस्तों, दुबई ने तरक्की अपने सामान की बदौलत नहीं की, बल्कि अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखा, तब जाकर दुबई इस मुकाम पर पहुंचा, जबकि उसके पास ढंग से पीने का पानी भी नहीं था। दोस्तों, दुबई में मिलने वाला तेल भी तब अपर्याप्त था। आपको बता दें, दुबई की जमीन भी नई इमारतों के लायक नहीं समझी जाती थी। दुबई की किस्मत को यहाँ के एक किंग शेख राशिद बिन मखतूम की दूरदर्शिता ने बदल डाला। हैरत की बात है कि दुबई में स्थानीय लोग 10-15% हैं, बाकी सब बाहर के मुल्कों के लोग हैं जो यहाँ तरह तरह के जॉब करते हैं, यानी दुबई की तरक्की का एक अहम हिस्सा भी है। आपको बता दें, एक समय दुबई में बिजली नहीं थी, यहाँ के अमीर शेखों ने दूरदर्शिता से काम लिया और यहाँ उन्होंने रेगिस्तान में सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा कर ली। दुबई की आधुनिक सोच से भरी तरक्की का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ऊंची ऊंची इमारतों को बताने में काम आने वाली 25% क्रेन यहाँ हर वक्त तैयार पोजीशन में खड़ी रहती है। यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट के जरिए पानी की समस्या को भी दूर किया गया। आपको बता दें, समुन्दर के पानी को ही फिल्टर करके पीने योग्य बना लिया गया। 1960 में दुबई सूखे जैसी प्रलय का शिकार कर रहा था, जबकि उस वक्त अरब के अन्य देश तरक्की पर थे। इधर दुबई में मिलने वाला तेल भी बहुत कम था, ये दुबई की अर्थव्यवस्था को चलाने में असमर्थ था। ऐसे दुश्वार समय में शेख राशिद बिन मखतूम को दुबई के तख्त पर बिठाया गया। आपको बता दें, इन्हीं की दूरदर्शिता की बदौलत आज दुबई जमीन की जन्नत है। ये शेख राशिद ही थे जिन्होंने ये भांप लिया था कि सिर्फ तेल के निर्यात पे दुबई की रोजी रोटी और किस्मत को निर्भर नहीं रखा जा सकता। शेख राशिद चाहते थे कि दुबई दुनिया का इतना तरक्की पसंद देश बन जाए कि लोग अपना पैसा यहाँ लगाए और अपना पैसा खर्च करके यहाँ आने पर मजबूर हो जाए। जाहिर सी बात है, तरक्की खुद ब खुद होने लगेगी। अपने इस प्लान को हकीकत में डालने के लिए दुबई के इस किंग शेख राशिद ने ब्रिटिश सरकार से भारी कर्ज ले लिया। इस पैसे से दुबई में शानदार सड़कें, अस्पताल, बेहतरीन थीम पार्क बनाए गए और ट्रांसपोर्टेशन को भी विकसित किया गया। इन बड़े कामों में सबसे बड़ा काम दुबई की बंदरगाह जबले अली को अच्छी तरह से बनवाया गया, क्योंकि तब दुबई का मुख्य व्यापार इसी बंदरगाह के जरिए होना था। इस बंदरगाह को बनाने के लिए भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से सबसे सस्ती लेबर लाई गई, क्योंकि दुबई के गर्म मौसम में यही लोग काम कर सकते थे। और तो और, किंग राशिद ने दुबई को टैक्स फ्री जोन भी बना दिया। देखा आपने, शेख साहब ने विदेशी व्यापार को आकर्षित करने के लिए कितना उम्दा उपाय किया, वह कितनी दूरदर्शिता से काम लिया।
दुनिया का पहला 7-स्टार होटल बुर्जल अरब मानव द्वारा बनाया गया टापू, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन और दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल दुबई की ही देन है, या यूं कहें कि ये सब दुबई के अजूबे हैं। दुबई में आयोजित प्रसिद्ध ऊंटों की दौड़ अगर आप जीतते हैं तो अरबों रुपए के हकदार होते हैं, मगर यार इतने महंगे ऊंट खरीदेगा कौन। और मजे की बात तो ये भी है कि उन ऊंटों को दौड़ाने वाला सवार इंसान नहीं होता, बल्कि ऊंटों को धक्का धक दौड़ाने वाले आधुनिक रोबोट होते हैं। दुबई में आप अपने मोबाइल से ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपकी रिपोर्ट दर्ज होते ही दुनिया की सबसे महंगी पुलिस आपकी समस्या का तुरंत समाधान कर देगी। क्या आपको पता है दुबई अब एक ऐसी तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन तैयार करवा रहा है जो यात्रियों को 140 किलोमीटर का सफर मात्र 12 मिनट में अबू धाबी से दुबई पहुंचा देगा। इसके लिए दुबई हाइपर लूप ट्रैवल सिस्टम भी बना रहा है जो कि दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम साबित होगा। जल्द ही दुबई में इंसान की जगह रोबोट पुलिस की जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। आप यहाँ फ्लाइंग कार भी देख सकेंगे, आप इन्हें फ्लाइंग ड्रोन कह सकते हैं। मजे की बात तो ये है कि इसे हम और आप नहीं बल्कि कंप्यूटर उड़ाएंगे। आप अपने हाथ में थमे मोबाइल से ही इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। दुबई सिर्फ यहाँ आकर ही नहीं थमेगा, बल्कि वो एक ऐसा शहर तैयार कर रहा है जिसमें हर रोज ऑटोमेटिक रोबोटिक होंगे। ये अपने आप एक अनोखा अत्याधुनिक क्लाइमेट कंट्रोल शहर होगा। इस शहर में ऑटोमेटिक ट्रेन, कार, रोबोट, पुलिस जैसी चीजें होंगी। एक विशाल शीशे से कवर होगा ताकि इसे वातानुकूलित रखा जा सके। ये हर तरह के प्रदूषण से सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, दुबई आज अपनी आधुनिक सोच की बदौलत दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है और ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। आप दुबई को लेकर क्या सोच रखते हैं? हमारे खुद के देश को दुबई से क्या सबक लेना चाहिए? आपने दुबई की कौन सी 3 कॉमन बातें नोट की? कॉमेंट में बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।